हाय गाइस, मेरा नाम है रमिंदर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का रेसिपी इज अ समर सैलेड रेसिपी। एंड अगर आप मेरे जैसे हो जिसको समर्स में कुछ ठंडा खाना पसंद है बट समझ में नहीं आता क्या, दिस इज द रेसिपी फॉर यू। मैंने और भी सैलेड रेसिपीज की है तो उन्हें चेकआउट जरूर करना। अभी शुरू करते हैं ये इजी रेसिपी जो कि बिल्कुल कस्टमाइज कर सकते हो आप अपने टेस्ट ऑफ रेफरेंस के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद पुटिंग इन सम लेटस। अब आप डिफरेंट तरीके की लेटस यूज कर सकते हो। यहाँ पे आई एम यूजिंग जस्ट ग्रीन लेटस एंड दिस इज बेसिकली योर बेस फॉर द सैलड। एंड देन फॉर सम फ्रेशनेस आई एम गोइंग विद अनार एंड दिस एक्ट्स लाइक अ वेरी गुड लाइक क्रंच इन योर सैलड। देन लेट मी जस्ट हैव सम क्यूकम्बर्स वेरी थिनली स्लाइस बिकॉज सैलड में बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपने हर इंग्रेडिएंट को कैसे काट रहे हो। सो जैसे हमने लेटस भी लिया है सो लेटस इज़ वेरी थिनली स्लाइस्ड एंड यू नो इट्स वेरी वेरी स्मॉल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाइट में जब वो इंग्रेडिएंट आएगा तो वो कैसा होगा। अगर बहुत मोटा इंग्रेडिएंट है सो यू विल नॉट लाइक इट इन अ सैलेड। सो मेक श्योर कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके बाइट के हिसाब से एडजस्टेड हैं और चॉप्ड हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू अनियंस। तो अनियंस भी सैलेड में बहुत ही थिनली स्लाइस्ड होने चाहिए बिकॉज अगेन अनियन का खुद का एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है। सो वी डोंट वॉन्ट इट टू ओवर पावर। देन आई एम गोइंग विद सम फ्रेश टोमेटोज फाइनली चॉप्ड अगेन एंड द स्टार ऑफ द सैलेड इज पनीर। सो गो फॉर यू नो स्मॉल डाइस्ड पनीर। अगेन इट मैटर्स अ लॉट। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज इट डज matter a lot. So just some paneer. If you eat eggs you can add egg for protein and that's about it for what's going in terms of ingredients. And now we will start with the dressing. So for the dressing I have salt and pepper. Isme main thoda sa garlic powder add karungi just a little for some good taste. And then I have some jeera powder here. So cumin powder, I love cumin, so cumin powder. Then some all-purpose seasoning. आप देख सकते हो आपके पास क्या available है। This is completely optional, but try करो कि आप garlic powder और jeera powder तो डाल ही सको। Then some chili flakes, just a little according to your preference. And then some oregano, again according to your preference. So this is like a spice mix that we have. And yeah, that's about it for the seasoning of the dressing. Now we have some olive oil here. This is around 2 teaspoons of olive oil. And then I'm going to add some dahi into it. Normal ghar ka dahi works fine. Then I'm going to add good amount of this seasoning. So seasoning in a salad is very very important. You don't want your food to taste bland. And then is the fun part. So you just take this jar and jiggle it as much as possible. You just want everything to mix well. And once that's done, you pour it onto the salad. Salad mein crunch ke liye we also have seeds. So pumpkin seed, melon seed and sunflower seeds. These are also important. Aapka daily dose of nutrition from seeds come from this salad all alone. So good shake. And yeah, once that's done, you just pour it onto your salad. And that's about it. So, अभी देखने में लग रहा होगा कि बहुत कम ऊपर हमने टॉपिंग डाला है ऑफ द ड्रेसिंग बट कम ड्रेसिंग गोज अ लॉन्ग वे। तो कम ड्रेसिंग डालना है और जब आप मिक्स करोगे तो सब कुछ साथ में आ जाएगा। एंड सी हाउ वेल इट्स कमिंग। एवरीथिंग इज यू नो मिक्सड वेल। ड्रेसिंग अच्छे से है एंड यू जस्ट वॉन्ट एवरीथिंग टू go well. So yeah, that's about it. Mix the salad well.
फ्रिज में रखो, थोड़ी देर ठंडा ठंडा खाओ. यू कैन ऐड पीनट्स टू इट. अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो. ऑलिव ऑयल बेटर है बिकॉज क्रीमी है, कंसिस्टेंसी बेटर आती है. यू कैन यू नो नॉट पुट इन द सीड्स बट पुट इन पीनट्स, आमंड्स, कैश्यूज, जो भी आपके पास घर में है. पनीर की जगह आप एग डाल सकते हो. अगेन चिकन डाल सकते हो छोटा छोटा काट के पीसेस में. Anything that you like can go into the salad. It's versatile. Summers के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है for a lunch. And yeah, this is day one of summer recipes with me. I will meet you at day two. I hope you will try this recipe and you like this recipe. Do let me know in the comments below कि कैसी लगी. And I will see you next time. Bye.